हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस। ये मेरे पास चेक का कपड़ा था, उससे मैंने ये ड्रेस बनाई है। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये 5 और 6 नंबर के लिए ड्रेस हमने रेडी की है। 4.5 इंच की हमने इसमें चौड़ाई ली है और लंबाई ली है हमने इसमें 36.5 इंच। 1-2 इंच आप कम भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो। देखिए इस तरीके से इसके साथ मैंने अस्तर को भी कट कर लिया है, वाइट कलर का अस्तर लिया है। ये ली है हमने 4 इंच की, इनकी जो हम टोपी बनाएंगे उसके लिए, और 2 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक काट लिया है। मैं आपको इसका साइज बता रही हूँ। ये लिए हमने इसकी चोली के लिए, चोली की लंबाई ली है हमने 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो साइज़ थोड़ा कम कर लें। ये हमने 13 इंच ली है सॉरी, और इसकी लंबाई है हमारी 1.5 इंच। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपने अस्तर के साथ अपने ड्रेस को इस तरीके से, जो हमारा घेर है उसको इस तरीके से पहले सिलेंगे। आधे पंजे की सिलाई लें इस तरीके से फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से देखिए, अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे बाद में। पहले हम इसमें पट सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, पूरे में पट सिलाई लगा लें। अब इस तरीके से इसे फोल्ड कर कर जितना भी हमारा नीचे वाला अस्तर का फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उसे कट कर दें। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने एक ये रिबन लिया है रेड कलर का, क्योंकि इसमें रेड कलर की लाइनिंग है हमारे कपड़े में। मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे में आप निशान लगा लें, पूरा 1.5 इंच पर। और 1.5 इंच पर हमें अब ये रिबन अटैच करना है। इस तरीके से आप रिबन को रखकर पूरे में सिलाई लगा लें। इस तरीके से हमने साइडों से भी अपने इसको सिल लिया है। अब हम इसमें घूम भरना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ना ही ज़्यादा छोटे ना ही ज़्यादा बड़े, मीडियम साइज के, आधा आधा इंच के। इस तरीके से आप अपनी ड्रेस में घूम भर लें। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें इकसार घूम भरने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you.
अब हम इसकी चोली रेडी करेंगे। चोली के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच जो हमारी लंबाई थी, इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लिया है। इसे फिर हम 4 फोल्ड करेंगे और हमें इसमें बहुत हल्का सा, इस तरीके से हल्का सा आड़ा करके छांट लगाना है। बहुत हल्का सा ही फ़र्क होना चाहिए दोनों पट्टियों में। अब हमें इसे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमें इसे सिल लेना है अंदर की साइड कपड़ा करके। हम इसे दोनों साइड से सिल लेंगे, इधर साइड से भी हमें इसे सिल लेना है। यहाँ पर एक रिबन लें, इस तरीके से रिबन को सिलें। यह हमें पीछे बांधना है, जितनी भी आपको इसकी लंबाई रखनी हो इस तरीके से, इतना काफ़ी है। अब अपनी चोली को इस तरीके से इसमें अटैच कर दें और फिर इसे सिल लें फिनिशिंग के साथ। ये पट्टी ली है हमने इसका नेफा बनाने के लिए, 1.5 इंच की पट्टी है। इस तरीके से इसको पट्टी को अब हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच छोड़कर इसमें हम इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम एक डोरी लेंगे और उसमें इस तरीके से इसको अटैच करके, इस तरीके से हमें डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है, डोरी से इधर साइड सिलाई लगानी है आपको, और इसे हम सिल लेंगे फिनिशिंग के साथ। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल बीच में हम एक निशान लगाएंगे जहां हमें चोली अपनी अटैच करनी है, और इस तरीके से हम 1/2 इंच छोड़कर चोली को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच छोड़नी है हमें और इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। अब मैंने ये पट्टी ली है जो हमने 13 इंच की पट्टी ली थी, इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करके पहले इसमें एक सिलाई लगा लेनी है, फिर हमें इसकी फ्रिल रेडी करनी है घूम भर कर। देखिए इस तरीके से हम पहले इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हम अपनी दूसरी पट्टी में भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे जो कि हमने 4 इंच की और 2.5 इंच की कट की थी, इस तरीके से। अब हम इसमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें छोटी छोटी मीडियम साइज की फ्रिल बनानी है, घूम भरने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से हम इसमें अपना रिबन लेंगे जो हमने ड्रेस में लगाया था और इसको भी लगा लेंगे। दोनों पट्टियों में से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो धागे हो उन्हें फिनिशिंग से काट ले। अब इस तरीके से हमें इसमें ज्वाइंट करना है इसे,
आगे की साइड से देखिए इस तरीके से इसमें एक सिलाई लगा लें। फिर अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करें और कुछ धागे या कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसे कट कर दें और इसमें भी इस तरीके से फिर सिलाई लगा लें। सीधी सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से इसमें छोटे छोटे टांके भरकर हमें इसे सिलना है। देखिए इस तरीके से सुई की मदद से इस तरीके से आप इसे सिल लें। इस तरीके से इसको पक्का कर लें, एक दो बार गांठ लगा दें। देखिए अब इसको अच्छे से अपनी टोपी को खोल लें, कितनी सुंदर हमारी टोपी बनकर तैयार हुई है कान्हा जी की। अब ये लिए है मैंने 4 नंबर के कान्हा जी, ड्रेस हमारी 5 और 6 नंबर की है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी इनके लूज़ आएगी, पर मेरे पास 4 नंबर के ही कान्हा जी हैं, मैं उनको आपको पहना कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस का लुक आया था और हमारे कान्हा जी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये ड्रेस काफ़ी सुंदर बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इस तरीके से आप घर पर ही अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस रेडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।